हे गाइस, स्वैप दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो गए, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, नॉजिया, इस टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो एलर्जिक रिएक्शंस क्या हो गए, जैसे आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1-4 रिएक्शंस हो गई। उसके अलावा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, आपको इरेगुलर नर्व बैलेंस और डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, एरिथमिया हो गया, ये सब कार्डिक एरिथमिया, ये सब कंडीशन कार्डियोवास्कुलर देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक और हार्मोनल इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल यू गेट टू सी दिस इम्बैलेंस इन द हार्मोनल लेवल, मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल इफेक्ट्स। स्किन रिएक्शन, लाइक स्किन में कोई रैशेज हो गए, कोई पार्टिकल्स या रैशेज हो गए, कुछ पोर्स या कुछ भी टॉक्सिसिटी हो गई स्किन में, तो स्किन रिएक्शंस के अंदर आ गया वो। ऑल्सो एजिमा एंड अदर डिजीजेज, लिवर एंड किडनी टॉक्सिसिटीज ऑल्सो देयर, हीमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स। एंड उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग किस तरह से एक्शन करती है। ड्रग्स का क्या एक्शन है, फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिज्म। हमने इस टॉपिक में क्या बोला कि हम दो चीज़ें पढ़ने हैं आपको आज के टॉपिक में। फर्स्ट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, की ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म्स, ड्रग्स किस तरह से काम करती है, मैकेनिज्म क्या है ड्रग एक्शन का। फर्स्ट है रिसेप्टर एगोनिज्म, वे से हम देखें। रिसेप्टर एगोनिज्म क्या होता है, जो ड्रग है वो बाइंड करती है, हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड करती है। कोई ड्रग जाएगी ऐसे, वो हर कहीं बाइंड नहीं कर जाएगी, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे बॉडी में, उनसे जाके बाइंड करेगी। और वो क्या करेगी, ड्रग फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल सब्सटेंस काम कर रहा था, उस रिसेप्टर के लिए जो नॉर्मल सब्सटेंस काम कर रहा होता है उसी की कॉपी करेगी, वो बोलते हैं ना उसी के जैसा, और मिमिक्स करेगी एक्शन ऑफ एंडोजीनियस सब्सटेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओपियोड एनाल्जेसिक, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन लें, तो मॉर्फिन जो है वो मॉर्फिन बाइंड करेगा ओपियोड रिसेप्टर्स में, सीएनएस, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे एक ओपियोड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपका मॉर्फिन अगर आप लोगे तो वो उससे बाइंड कर जाएगा और वो पेन को रिलीफ करता है, विच इज ऑल्सो गिवन टू दिट्स मिलिट पेशेंट्स इन द मिलिट्री व्हेन इन केस ऑफ द सीवियर इंजरी इन सच केसेस। ऑल्सो रिसेप्टर एगोनिज्म के बाद रिसेप्टर एंटागोनिज्म, तो एगोनिज्म देखा हमने, फिर आएगा रिसेप्टर एंटागोनिज्म। मेथड क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो ऑल्सो बाइंड कर सकती है रिसेप्टर से, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करके और उनके एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देगी बाय एंडोजीनियस सब्सटेंसेस। फॉर इंस्टेंसेज अगर हम बीटा ब्लॉकर्स लें, तो बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनॉल जो है वो बाइंड कर जाएगी बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स में हार्ट में। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेगी, बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनॉल अगर हम एग्जांपल में लें, तो वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स में, जो आपके हार्ट में बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाके बाइंड कर जाएगी प्रोपेनॉल और ब्लॉक करेगी उस वहाँ पे एड्रिनलिन का इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो रिसेप्टर एंटागोनिज्म का काम हुआ कि बेसिकली उस रिसेप्टर से बाइंड करके उसको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक कर दिया इससे क्या हुआ कि वहाँ पे उस रिसेप्टर को प्रोपेनॉल ने बाइंड कर दिया हार्ट के रिसेप्टर को, जिसकी वजह से जो एड्रिनलिन बन रहा था, जो है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, तो वो नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम रहेगा। इसके बाद आता है एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन मैकेनिज्म क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जो ड्रग्स है एंजाइम इनिबिट करके, कि ड्रग जो है वो इनिबिट करेगी हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम, जिसकी वजह से इंटरफेयरिंग द विद बायोकेमिकल प्रोसेसेस। सपोज कोई एंजाइम को इनिबिट करे तो अल्टीमेटली ऑल ओवर बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेटिन यूज़ करते हैं हम, उनका आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो कोलेस्ट्रॉल, स्टेटिन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स में पढ़ा होगा आपने, द यूज़ ऑफ स्टेटिन लाइक एट्रोवेस्टेटिन, जो इनिबिट करता है एंजाइम HMG कोएंजाइम ए जो रिडक्टेज, इसको जो है वो इनिबिट करता है एंजाइम को HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज और लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड। इसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। आपने ये चीज़ आपके 12th क्लास में और आपने जब अलग अलग पढ़े होंगे स्टेटेंस एंड अदर जो प्रोडक्ट्स होंगे, आई थिंक शायद ये दिस वॉज गिवन इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। आप चाहें तो वहाँ एक रेफरेंस के लिए वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं, आपकी 11th NCERT वहाँ पर भी दे रखा होगा ये। ऑल्सो जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ड्रग्स जो है वो इनिबिट करते हैं आपके स्पेसिफिक एंजाइम बॉडी के अंदर, इस वजह से वो इंटरफेयर करेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस को। एक एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टेटिन यूज़ करना, कि जैसे हमने बोला ना एटोवेस्टेटिन अगर हम यूज़ करेंगे, जिसके जो क्या करेगा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को बंद करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। सो
ये एंजाइम इनिबिशन मेथड हुआ. इसके बाद आएगा आयन चैनल मॉड्यूलेशन. आयन चैनल मॉड्यूलेशन क्या मेथड है, ड्रग्स जो होगी वो मॉड्यूलेट करेगी आयन चैनल की एक्टिविटी को. जो आयन चैनल सोडियम और पोटेशियम चैनल आयन्स होते हैं तो उसकी मॉड्यूलेट करेगी एक्टिविटी वहाँ को, जो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, जो वो क्या करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक एमलोडिपिन. जो एमलोडिपिन, जो अगर आपने एमलोडिपिन दिया तो एमलोडिपिन क्या करेगा, वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा स्मूथ मसल्स में. जो मसल्स में हमको पता है ना कैल्शियम चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से मसल मूवमेंट होता है, तो चैनल्स इन द मसल सेल्स, एमलोडिपिन क्या करेगा, जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा स्मूथ मसल सेल्स में, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. इट्स लाइक आयन चैनल मॉड्यूलेशन की हेल्प से हुआ ये चीज़. उससे पहले हमने एंजाइम देखा कि बायोकेमिकल, फॉर एग्जांपल स्टेटिन जो है वो एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज को बंद करता है, इनिबिट करता है. रिसेप्टर एंटागोनिज्म में हमने एग्जांपल देखा बीटा ब्लॉकर, लेकिन प्रोपेनॉल का देखा. रिसेप्टर एगोनिज्म में आपने मॉर्फिन का देख लिया एग्जांपल. एंड देन वी कम टू अनदर मेथड इसमें, जैसे अल्टर न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन. अल्टर न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक जो ड्रग है इसमें क्या होगा, ड्रग जो है वो अफेक्ट कैन अफेक्ट रिलीज या अपटेक. ड्रग कैन अफेक्ट, जो कोई आपने ड्रग दी वो क्या अफेक्ट कर सकती है बॉडी में, वो रिलीज, उसका रिलीज अपटेक या फिर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स. जैसे डोपामाइन हो गया आपके, तो उसको उसके रिलीज, उसके रिलीज होना, उसका अपटेक होना, उसका ब्रेक डाउन होना, उसको बेसिकली अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आपको चेंजेस देखने को मिलते न्यूरोनल एक्टिविटी में. सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, जो SSRI बोलते हैं जिनको हम, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर जो SSRIs होते हैं, जैसे फ्लूक्सेटिन हो गया, ये इनिबिट करता है रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन. सीरोटोनिन जो है वो रीअपटेक नहीं हो पाएगा, वापस अपटेक नहीं हो पाएगा सीरोटोनिन का. देयर बाय क्या होगा, आपका सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा ब्रेन में और डिप्रेशन एंड ट्रीटिंग द डिप्रेशन. देयर बाय इंक्रीजिंग सीरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन एंड ट्रीटिंग डिप्रेशन. इसकी वजह से ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज रहेगा और डिप्रेशन से कोप अप करने में हेल्प करेगा. सो दैट इज़ विद फ्लूक्सेटिन, जो एक SSRI है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो ड्रग है वो आपके जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वहाँ अफेक्ट कर जाएगी, वो न्यूरोट्रांसमीटर की जो है न्यूरोट्रांसमीटर जैसे SSRI, तो वहाँ आपका अफेक्ट करेगी, वो कंट्रोल करेगी बेसिकली, काइंड ऑफ बोलते हैं ना रिमोट कंट्रोलर है उसका, कि ड्रग जो है वो अफेक्ट करेगी आपका रिलीज अपटेक, कब रिलीज करना है, अपटेक करना है, ब्रेक डाउन करना है न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसकी वजह से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे न्यूरोनल एक्टिविटी में, न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करेगी बेसिकली इस पूरे में, अल्टर न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन में. और सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जैसे हमने देखा, अगर आपको ऐसे सारा ही नहीं याद रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फ्लूक्सेटिन क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फ्लूक्सेटिन आपने दिया, तो फ्लूक्सेटिन अगर आपने ड्रग दी देन वो इनहिबिट करेगी सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन का इनहिबिट जो है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सीरोटोनिन लेवल ब्रेन में रहेगा, ब्रेन में इंक्रीज रहेगा और अल्टीमेटली ट्रीटिंग डिप्रेशन. Then there comes the modulation of the gene expression. Another mechanism क्या है gene expression का modulation, कुछ drugs जो होती है वो affect करती है gene expression को. जैसे हम अगर corticosteroids देखें, प्रीडनिसोन जो है वो मॉड्यूलेट कर सकती है जीन एक्सप्रेशन को. अगर आपने कॉर्टिकोस्टीरोइड लाइक फॉर एग्जांपल प्रीडनिसोन लिया, तो वो मॉड्यूलेट करेगी जीन एक्सप्रेशन को एंड सप्रेस करेगी इन्फ्लेमेशन को. जीन एक्सप्रेशन को भी मॉड्यूलेट करेगी और इन्फ्लेमेशन को भी सप्रेस करेगी और इम्यून रिस्पॉन्स को भी लाइक मतलब ना रेगुलेट करेगी. एंड देन देयर कम अनदर मैकेनिज्म दैट इज़ अल्टर्ड सेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे. अल्टर्ड सेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे जो इसमें क्या होगा, जो ड्रग जो है वो इंटरफेयर करेगी विद स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे. जैसे ड्रग ली आपने, कोई ड्रग ली वो जो सिग्नलिंग पाथवे है उसका स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे से इंटरफेयर करेगी विद इन द सेल, सेल्स के अंदर में, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसिंग सेल्युलर रिस्पॉन्सेज. अगर हम देखें फॉर इंस्टेंस जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जिसको हम NSAIDs बोलते हैं, NSAID, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. NSAID आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म NSAID क्या है, दैट इज़ नॉन स्टीरोइड, जो बिना स्टीरोइड की, स्टीरोइड नहीं है उसके अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी विदाउट, जो इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करे, इन्फ्लेमेशन हटाए, नॉन स्टीरोइडल, बिना इस मतलब ऐसी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो नॉन स्टीरोइडल है. तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी आइब्यूप्रोफेन जो है वो इनहिबिट करती है एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिन, इसको कॉक्स को इनहिबिट करती है. जो आइब्यूप्रोफेन है ये NSAID, जो आपकी एक ड्रग एग्जांपल जैसे आइब्यूप्रोफेन है, वो आपकी साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स को इनहिबिट करती है बेसिक. साइक्लोऑक्सीजिनेज COX को आपको इनहिबिट करती है, जो बेसिकली किस में आता है, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में आता है. अब इन्फ्लेमेटरी अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इनहिबिट करेगी
तो ये क्या है, हम वही दे रहे हैं। अब जैसे ये हमने ड्रग दिया, ये मतलब इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे आपने आइबुप्रोफेन दी, तो ये क्या करेगी, ये प्रोडक्शन करेगी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली किस तरह से काम किया इसने, इसने एक इसने बेसिकली प्रोडक्शन किया इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का। आपने जब ये इसको किया तो उसने इनहिबिट कर दिया उसको साइक्लो ऑक्सीजनेस को, जो किस में इन्वॉल्व होता था, साइक्लो ऑक्सीजनेस कर क्या रहा था, आपका इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो इन व्हाट हैपन्स कि वो प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसने क्या किया, एक जो स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे है सेल्स का उसको बेसिकली इन्फ्लुएंस कर दिया, उसको बेसिकली इंटरफेयर कर दिया उसके अंदर। एंड देन अल्टर्ड आयन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सर्टेन ड्रग्स जो होती है वो मॉडिफाई कर सकती है आयन के ट्रांसपोर्ट। अब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमको पता है डिफरेंट आयन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो सर्टेन ड्रग्स जो है वो मॉडिफाई कर सकती है आयन के ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो अफेक्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी एंड सेलुलर फंक्शन। अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी एंड सेलुलर फंक्शन। एग्जाम्पल डायूरेटिक जैसे फ्यूरोसेमाइड जो है वो जो इनिबिट करेगा रीअब्सॉर्प्शन को सोडियम एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम देखें जो डायूरेटिक्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में बेसिकली इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन बाय लाइक बोलते हैं ना, बॉडी सिक्रेशंस बढ़ा देंगे। सो एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड नॉट दी लाइक डायूरेटिक्स, लाइक जैसे फ्यूरोसेमाइड हो गया, वो इनिबिट करेंगे आपके सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बन जाएगा। तो आयन के ट्रांसपोर्ट को अल्टर करके कर सकते हैं, जैसे आपके बॉडी में कोई कंसनट्रेशन के थ्रू अफेक्ट कर देंगे। क्या हुआ कि वो ड्रग आपने दी बॉडी के अंदर और वो आयन जो सेल मेम्ब्रेन है जहाँ से आयन का ट्रांसपोर्ट है उसको अफेक्ट कर दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेलुलर फंक्शन, जैसे डायूरेटिक्स फ्यूरोसेमाइड है इस तरह से काम करते बॉडी में, कि बॉडी में लाइक मतलब कोई है ना, आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, उस वे में क्या आपका होगा, अगर आप डायूरेटिक्स यूज़ करोगे तो बॉडी काइंड ऑफ बोलते ना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, अगर आप बॉडी में कंसनट्रेशन यूरिन की कंसनट्रेशन एंटी डायूरेटिक्स लोगे आप, जो एंटी डायूरेटिक्स लोगे उस केस में क्या होगा कि आपके जो यूरिन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, लाइक डायूरेसिस की जगह लाइक आपका कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा। दैट इज़ उस केस में क्या होगा, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एंटी डायूरेटिक्स तो वहाँ एक आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का भी फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो इस केसेस में हम ये यूज़ करेंगे अल्टर्ड आयन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि वो आयन जो अफेक्ट करेगा। तो ये सब हमने देखे क्या क्या है, अल्टर न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट कर देगा, फॉर एग्जाम्पल SNRI फ्लुक्सेटिन वो अफेक्ट करेगा सीरोटोनिन को, जीन एक्सप्रेशन को करने के लिए हमने देखा प्रिडनिसोन देखा हमने, अल्टर सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में हमने जो इन्फ्लेमेटरी देखा एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन जो है वो साइक्लो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट के लिए हमने कहा था। उसके अलावा हमने एंजाइम इनहिबिटर्स देखे, एंजाइम इनहिबिटर फॉर एग्जांपल स्टेटिन जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, आयन चैनल मॉड्यूलेशन हमने देखे कि आयन चैनल मॉड्यूलेट करके हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एमरोडीपिन अगर आप दो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, रिसेप्टर एंटागोनिज्म देखे, उसके अलावा हमने रिसेप्टर एंटागोनिज्म देखे हमने कि रिसेप्टर एंटागोनिज्म इज़ लाइक कि आप कोई ड्रग दोगे जैसे बीटा ब्लॉकर दिया आपने, प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनॉल आपने दिया तो वो अफेक्ट करेगा। रिसेप्टर एंटागोनिज्म हमने मॉर्फिन का एग्जांपल ले लिया। उसके अलावा हमने और क्या देखे, साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग और क्या मैकेनिज्म है ड्रग एक्शन का, द मैकेनिज्म्स ऑफ द ड्रग एक्शन। सो दिस टॉपिक इज क्लियर, आई होप यू गॉट क्लियर विद दिस टॉपिक। स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट कर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस। और उसके अलावा आप मेरे से अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी, यूट्यूब में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब की अबाउट सेक्शन में भी जाके दे वहाँ मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।